Hare Krishna, Sri Upadeshamrit, Shlok number 10. आज हम पार्ट टू यानी हम श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वहां से डिस्कस करेंगे. श्लोक नंबर 10. कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययोर्ज्ञानिनास् तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्तः पशुपाल पंकजदृशा ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रये कः कृति. तो अब तक हमने पढ़ा कि इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद ने हायरार्की ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कैसे अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं उनके हायरार्की के बारे में बताया है, कौन से कौन श्रेष्ठ है और सर्वाधिक प्रिय कृष्ण को कौन है इस बारे में बताया है. तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इस समय प्राय हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है. जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा हुआ है उनको कर्मी कहा गया है. कर्मी वो होते हैं जो कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दान में भी होते हैं सकाम कर्मी. जैसे उन्होंने मान लीजिए 10 बीघा जमीन दान में दे दिया, पर उसके बदले में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके दादाजी के नाम या उनके नाम या उनके बेटे के नाम वो स्कूल बनाए जो भी बना रहे हैं उस जमीन पर. तो इस प्रकार से वो लोग हर कार्य में एक भौतिक लाभ चाहते हैं. और जो व्यक्ति ऐसे भौतिक लाभ चाहते हैं उनका मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता या उनके मन में कभी भी वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता. तो ऐसे व्यक्तियों को कर्मी बोला गया है. जैसे इस श्लोक में कर्मी के बारे में बताया गया है, ज्ञानियों के बारे में बताया गया है, या जो भी हो, अगर कोई कर्मी हो, ज्ञानी हो या योगी हो, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो वो शांत, उनका मन कभी भी शांत नहीं बन सकता है. क्योंकि ज्ञानी के अंदर भी एक इच्छा होती है कि वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर ले, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो. योगी के अंदर, कई योगियों के अंदर ऐसी इच्छा होती है कि वो सिद्धि प्राप्त कर ले, ऐसी इच्छाएँ होती है. और बहुत सारे सकाम कर्मियों में तो बहुत सारे भौतिक इच्छाएं है ही. तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. तो अगर हम शुद्ध भक्त बनना चाहते भगवान श्री कृष्ण की, तो कृष्ण से सेवा हमें नहीं लेना चाहिए, कृष्ण से कुछ भी मांगना नहीं है, बस कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना है, उसे शुद्ध भक्ति कहा गया है. जैसे कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी कैसे होते हैं, जैसे जो भुक्ति कामी मतलब ये सकाम कर्मी जो इस श्लोक में वर्णन किया गया है, यानी कोई कर्म करेंगे तो उसके बदले फल की इच्छा रखते हैं. मुक्ति कामी से ज्ञानी जन निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, या योगी जन सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अनिमा लघिमा इत्यादि. तो इसीलिए इनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण को अपने परम लक्ष्य मानते हुए कृष्ण की सेवा में नहीं लगते हैं और पूर्णतया समर्पित नहीं होते हैं और भौतिक इच्छाओं को नहीं त्याग करते हैं, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता है. इस जगत, इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू के वशीभूत हो गए हैं. माया बहुत प्रबल है. जैसे आज हमारा कोई अपना का डेथ हो गया, मान लीजिए कोई हमारे बहुत क्लोज है और उनका जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया,
डेथ तो क्या, डेथ तो बॉडी का होता है, शरीर का, आत्मा का तो होता ही नहीं है। तो अगर उनका ऐसा हो गया, तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय तो हमें शमशान वैराग्य आएगा कि इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा, हम क्या मेरा मेरा कर रहे हैं, लाइक दैट। लेकिन जैसे ही दिन पास हो जाएगा और फिर हम कितना भी हमारे प्रियजन हो, हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये माया का प्रभाव है, माया के जादू के वशीभूत है हर व्यक्ति। इसलिए ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सांसारिक जो उपलब्धियां हैं, सांसारिक जो संपत्ति है, सांसारिक अचीवमेंट्स जो है और यश है, ये तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए माया के जादू के वशीभूत बताया है यहाँ श्रील प्रभुपाद ने। तो विष्णु पुराण 6.7.61 में उसका वर्णन हुआ है, विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्राज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्मा संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को तीन कोटियों में विभक्त किया है, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्था शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति यानी तृतीया शक्ति माना गया है, तृतीया शक्ति ऋष्यते। तो ये विष्णु पुराण में उल्लेख है। तो भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों को तीन कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति, जिस शक्ति से आध्यात्मिक जगत परिचालित होती है। तटस्था शक्ति यानी हम लोग जो आत्मा है, वो भगवान की तटस्था शक्ति है। और भौतिक शक्ति यानी बहिरंगा शक्ति, महामाया, दुर्गा देवी, वो भौतिक शक्ति, जिस शक्ति से भौतिक जगत भगवान परिचालना करते हैं। और सारे शक्ति भगवान श्री कृष्ण के वशीभूत है, कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कृष्ण शक्तिमान है। तो इसलिए जो है भौतिक शक्ति, क्योंकि ये भौतिक टेम्पररी जगत को चलाती है, और एक्चुअली वो बहिरंगा माना गया है, उनका आध्यात्मिक जगत में कोई प्रवेश नहीं है। तो इसलिए इन दोनों शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति और तटस्था शक्ति से निकृष्ट माना गया है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है, वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं। भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर का मतलब होता है जिनको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जो सोचते हैं कि वो एक शरीर है और शरीर से संबंधित उनके हैं, और ये शरीर ही सब कुछ है और मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, या नास्तिकतावादी विचारधारा से जो प्रभावित है, तो क्या सोचते हैं वो, इसलिए कुत्ते और कुकर मतलब कुत्ते और सुकर मतलब सुअर, तो कुत्ता जैसा लाइफ जीते हैं, अर्थात कठोर श्रम में लगे होते हैं, या सुअर जैसा। सुअर क्या करते हैं, श्रम में लगे रहते हैं मल खाने के लिए। तो ऐसा करते हैं लोग, अपना पूरा समय वो इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, या जो है वो कोई अर्निंग में लगाएंगे पूरा समय, या पैसा कमाएंगे और उससे इंद्रिय तृप्ति करेंगे, और इस प्रकार उनका जीवन मनुष्य जीवन होकर भी व्यर्थ ही चला जाता है। किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। उनमें से कुछ लोग, उनमें से कुछ मनुष्य यज्ञ आदि संपन्न करने के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। तो हम अपने लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो यज्ञ आदि संपन्न करना चाहते हैं। तो इस प्रकार वो पुण्य कमाते हैं, क्योंकि सारा यज्ञ तो एक्चुअली भगवान कृष्ण के लिए है, और देवतागण भी कृष्ण के अधीन है। तो देवतागण भी भगवान कृष्ण की अनुमति के बिना जो है कोई भी वरदान नहीं दे सकते हैं। और यज्ञ का भाग भी अगर देवताओं को भी भाग दिया गया, तो देवता लोग वो भाग लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और भगवान जब उनको उनको प्रसाद के रूप में जो भाग लौटाते हैं, उसको वो ग्रहण करते हैं।
क्योंकि सारे देवतागण भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों को ही देवता कहा गया है, और जो विष्णु भक्त नहीं है उनको आसुरिक प्रवृत्ति का कहा गया है शास्त्र में। तो इसलिए हम देखते हैं कि रावण या हिरण्यकशिपु, इन्होंने विष्णु की आराधना नहीं की। रावण ने शिव की पूजा किया और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की किया, इस तरह। तो वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोगों को भेज दिए जाते हैं। तो स्वर्गलोक जो है उसमें ही चंद्रलोक है और इंद्रलोक है और अन्य अन्य देवता का भी लोक है। जो जिस देवता की पूजा करते हैं उनको उनके लोक में जाकर देवता का शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि देवलोक में जाने के लिए देव शरीर जरूरी है। जैसे नरक में जाने के लिए यातना शरीर, यहाँ पे मृत्यु लोक के लिए या तो भोग शरीर या कर्म शरीर। मनुष्य के शरीर को कर्म शरीर बोलते हैं क्योंकि वो कर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर वो कर, उस कर्म की कमाई पर उसका नेक्स्ट जन्म होगा। लेकिन जो भी पशु पक्षी या जो भी तरु तृण है वो भोग शरीर में है, ऑलरेडी वो पाप को भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भोग शरीर में कोई शेर अगर हिरण को खा रहे तो पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य कर्म शरीर में वो अगर हिरण को खा रहे तो पाप लगता है। इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और यहाँ तक कि जैसे कि शाकाहारी चीज़ों में भी आत्मा तो होती है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए शाकाहारी चीज़ें ही बनाई है, पत्रम पुष्पम फलम तो है, जो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं वो सात्विक है। और कॉन्शियसनेस के मामले में जैसा कॉन्शियसनेस एक मुर्गी में होता है वैसा सेम टू सेम कॉन्शियसनेस साग में नहीं होता है, लोअर होता है। तो इसलिए उनको कष्ट नहीं होता जो मुर्गी को होता है काटने पर, और ऊपर से वो ब्लड फ्लैश आदि से बना हुआ है। लेकिन सात्विक आहार जो है वो फल फूल तरु तृण को माना गया है। लेकिन अगर कोई सिर्फ शाकाहारी बनेंगे तो भी उसको पाप तो लगेगा, क्योंकि प्राणी ही प्राणी का प्राण है और मनुष्य के लिए ये निर्धारित किया गया है कि वो शाकाहारी रहे। लेकिन अगर वो शाकाहारी होने के बावजूद भी अगर वो शाकाहारी खा रहे तो भी उस प्राण को तो जाने का पाप लगेगा। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए मनुष्य के लिए, ये रिकमेंड किया गया है शास्त्र में कि हर खाद्य को वो ग्रहण नहीं करना चाहिए ऐसे डायरेक्ट, उनको पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। बहुत लोग यज्ञ करते हैं इसलिए देवताओं को भोग लगाते हैं, देवता लोग भी कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो वो लोग इनडायरेक्टली कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट भोग लगाना चाहिए कृष्ण को, तो बेस्ट है कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। इसलिए भक्त क्या है, वेजिटेरियन नहीं है, प्रसादारियन है, सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते हैं, पानी भी पीते हैं तो कृष्ण को भोग लगाकर पीते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह से हम समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो लोग यज्ञ आदि करते हैं लेकिन फिर भी वो लोग भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, सकाम कर्मी हैं, फिर भी वो पुण्य, क्योंकि वो लोग पुण्य करते हैं इसके बल पर वो स्वर्गलोक कर स्वर्गलोक में चले जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं वही जाते हैं चंद्रलोक, स्वर्गलोक या स्वर्ग में जो अन्य देवता के लोक हैं। जैसा कि भगवद गीता में 9.21 में उल्लेख है, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। कोई अगर स्वर्गलोक चला भी जाए अपने तथाकथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मर्त्यलोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि कोई अगर बहुत पुण्य कर लिया, यज्ञ आदि कर लिया, दान आदि दे दिया, भौतिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल में तो देंगे तो उनको भक्ति प्राप्त होगा, लेकिन मान लीजिए भौतिक लेवल में किसी के भौतिक इच्छा से या भौतिक कुछ लाभ मिलेगा उस इच्छा से उन्होंने कुछ यज्ञ किया जो भी किया तो स्वर्ग गए। लेकिन स्वर्ग जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने देवताओं की पूजा की तो देवता के बीच में जन्म लेंगे, लेकिन स्वर्ग जाने के बाद भी जब उनका वीजा खत्म हो गए, स्वर्ग का वीजा खत्म हो जाएगा, जैसे आप इंडिया से बाहर कोई देश जाते हैं आपका वीजा परमानेंट नहीं है तो आपका वीजा खत्म हो जाता है तो आपको वापस आना पड़ेगा, वो लोग डिपोर्ट कर देंगे नहीं तो। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो हमें फिर से इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, फिर से वही आवागमन लगा रहेगा पुण्य के ऊपर के। तो इस आवागमन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण की शुद्ध भक्ति, ताकि हम कृष्ण के लोक गोलक वृंदावन में प्रवेश कर सके जो वैकुंठ लोक के सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है। तो
इसलिए देवतागण भी, जो देवतागण हैं वो भी, उनका पुण्य जब क्षीण होने लगता है और उनको मालूम है कि उनको मनुष्य रूप में जन्म लेना है, तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण कृपा करके हमें भारतवर्ष में जन्म देना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस्कॉन में जन्म लेने के लिए देवता लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि प्रामाणिक भक्ति का प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे प्रामाणिक गुरु के अधीन में। तो इस प्रकार देवता लोग भी इच्छा करते हैं कि हम भी भक्ति करें, क्योंकि स्वर्ग लोक में इतना ज्यादा भोग है, वहाँ भक्ति के अनुकूल नहीं है वातावरण। इसलिए पृथ्वी एक प्रकार से, खासकर भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया है, उनका जन्म बहुत ही श्रेष्ठ है अगर उन्होंने उसको भक्ति में अपना जीवन लगाया है। और भले ही भारतवर्ष में जन्म ना भी ले, कोई दूसरे कंट्री में भी जन्म ले, लेकिन उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ है, मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, तो वो सबसे अधिक सौभाग्यशाली है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्म से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना ही पड़ेगा। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वो पुण्य करने वाले हो या पाप करने वाले। पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, और नरक से कष्ट भुगतने के बाद पशु पक्षी तरु तृण बन के जन्म लेंगे। कोई सांप बनेगा, कोई बिच्छू बनेगा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई सुअर, इस तरह से जन्म लेंगे और भोगेंगे पापों को। और जो लोग स्वर्ग जाएंगे वो लोग देवताओं के बीच में आनंद भोग करेंगे, और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर से इस पृथ्वी में मृत्युलोक में आएंगे और कोई मनुष्य योनि उनको प्राप्त होगा। तो इस ग्रह पर अनेक व्यापारी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। उनको आप अगर भगवत गीता देने जाएंगे या आप बोलेंगे कि आपके घर में दामोदर आरती कर देते, जैसे आजकल कार्तिक मास चल रहा है और रोज दीपक, जैसे यशोदा मैया और कृष्णा, यशोदा मैया हम देखते हैं कि दामोदर मतलब उदर में दाम मतलब रस्सी बांध रहे कृष्ण को पनिश करने के लिए, तो ये लीला हुई थी, तो रुचि नहीं रखेंगे, वो बोलेंगे नहीं हमें नहीं करना, हम ऐसे ही खुश हैं, लाइक दैट। वो सिर्फ भौतिक रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक कोई रुचि नहीं रखते। ऐसे भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ भी है और व्यापारी भी है, तो वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, भले ही साधन अच्छा हो या बुरा हो। तो ऐसे निपट भौतिकतावादी लोग इनको कहा जाता है, और ऐसे लोगों को कर्मी कहा जाता है। तो इन कर्मियों में दो, जैसे एक एक तो हुए सकाम कर्मी जो यज्ञ आदि करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से जीते हैं, और एक उनसे निकृष्ट है विकर्मी। विकर्मी मतलब जो शास्त्रों की उल्लंघा करते हैं या वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कोई भी कर्म करते हैं। तो जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं, वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो इसलिए वो उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। तो जो लोग इस प्रकार यज्ञ करते हैं, क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसा, कृष्ण ने कहा, तो सभी यज्ञों का भोक्ता एक्चुअली विष्णु है, कृष्ण है। तो इसलिए जो भी सकाम कर्मी, भले ही भौतिक लाभ की इच्छा से, संतान प्राप्ति की इच्छा से, धन प्राप्ति की इच्छा से, चाहे कोई भी इच्छा से, वो यज्ञ तो कर रहे हैं शास्त्र का पालन, तो ऐसे सकाम कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ है, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नास्तिक है और उनको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, आत्मा परमात्मा इत्यादि। इसलिए श्रेष्ठ है सकाम कर्मी विकर्मियों से, क्योंकि ये वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और इसलिए कृष्ण को प्रिय भी है। भले ही उनका जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है, क्योंकि ऐसे वो भौतिक इच्छा रख के सकाम कर्मी होकर फिर धीरे धीरे बहुत जन्मों के बाद वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञानी बनेंगे, फिर बहुत जन्मों के बाद हो सकता है वो योगी बने, ध्यान योग में जाए, फिर भक्ति योग प्राप्त होगा। तो बहुत लंबा उनका प्रोसेस है, फिर भी क्योंकि वो शास्त्रों को पालन करते हैं तो निश्चय ही वो कृष्ण के प्रिय है। भगवद गीता 4.11 श्लोका जो है, 4 चैप्टर 11 श्लोका, कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है मैं उस तद अनुसार फल देता हूँ। तो इसलिए कृष्ण के शरण में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो कृष्ण से कुछ मांगने नहीं जाते हैं,
वो कृष्ण से एक चीज मांगते हैं, हे कृष्णा मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मुझे आपका सेवा प्रदान कीजिए। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं रोज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप हम क्यों करते हैं, इसका अर्थ क्या है। हम श्रीमती राधिका, हरे मतलब राधे, राधिका से प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की और उनकी हमें सेवा प्रदान करें। तो जो ऐसे जाएंगे तो कृष्णा खुद को उनको दे देते हैं, कहने का मतलब है उनको शुद्ध भक्ति देते हैं। और कृष्ण एक्चुअली दुर्वासा मुनि को विष्णु कहते हैं ना, जब वो जाते हैं और जब उनका जो है तो चक्र उनके पीछे पड़ जाता है अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करने के कारण, तो वैकुंठ तक वो जाते हैं, उनका वैकुंठ तक पहुंच है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीना। तो शुद्ध भक्त के अधीन रहते भगवान, सब लोग ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता भगवान के अधीन हैं, लेकिन भगवान किसके अधीन है, शुद्ध भक्त के। तो भगवान कहते हैं कि जो जिस रूप में मेरे पास आते, कोई अगर भौतिक इच्छा से आते हैं तो उसकी भौतिक इच्छा पूर्ण करता हूँ, कोई मुक्ति पाने के लिए आता है उसको मुक्ति देता हूँ, कोई सिद्धि पाने के लिए आता है उसको सिद्धि देता हूँ, लेकिन जो शुद्ध भक्ति के लिए आते हैं, सिर्फ कृष्ण की सेवा, अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स कृष्णा, तो कृष्ण खुद को उनको दे देते हैं। कृष्ण इतने दयालु है कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो फिर भक्तों के विषय में तो क्या ही कहना, भक्त तो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो शास्त्र के अनुसार चलने वाले सकाम कर्मी उनकी इच्छाओं पूर्ति कर रहे, वो उनको इतना प्रिय है, उनसे अधिक प्रिय है जो ज्ञानी लोग हैं, वो प्रिय है क्योंकि वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसका प्रैक्टिस करने का प्रयत्न करके फिर भक्त बनते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है, जो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो वो कितना प्रिय होंगे कृष्ण को। यद्यपि कर्मीजन कभी कभी उच्चतर लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे स्वर्ग जाते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। कोई ना कोई शरीर मिलेगा, इस भौतिक संसार में ही है, स्वर्ग लोग भी भौतिक संसार में ही, आध्यात्मिक संसार तो है नहीं, तो उनको देवता का शरीर मिलेगा, फिर हो सकता है मनुष्य का शरीर मिले, फिर हो सकता है पाप किया तो फिर यातना शरीर मिले, पशु शरीर मिले, कुछ भी शरीर मिलेगा उनको, लेकिन सब भौतिक होगा और जिसमें कष्ट होगा, स्ट्रगल होगा। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वो या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है, या उससे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिसमें वो और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो पाप कर्म में लगे हैं, वे पतित होकर पशु बन जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, पौधों के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव, दो कुबेर के जो बेटा है नारद मुनि ने देखा नग्न अवस्था में पानी में अप्सराओं के साथ जो है क्रीड़ा कर रहे, जल क्रीड़ा, और एकदम सोमरस पी के, मदिरा जो सोमरस है स्वर्ग का वो पी के, मदमत्त है और अहंकार भी है उनको, कुबेर के पुत्र है। तो नारद मुनि के पास होने पर भी अप्सराओं ने तो शरीर ढक लिया, उन लोगों ने शरीर भी नहीं ढका। तो नारद मुनि ने देखा कि देवता का पुत्र होकर भी, कुबेर का पुत्र होकर भी ये लोग जो है इतना निकृष्ट हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा भी एटिकेट मालूम नहीं है कि साधु के सामने कैसे रहना है। तो बोला कि जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्ष ही ऐसे नग्न रहते हैं, तो नग्न ही खड़े रहो। और वृक्ष जो है अत्यधिक तमोगुणी जो है जीवात्मा, उनको वृक्ष बनना पड़ता है, क्योंकि वृक्ष को कुछ होश नहीं रहता, लाइक बस खड़े रहते हैं एक जगह पे, वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से पौधों के रूप में जन्म लेते हैं, तरुतृण के रूप में, कौन सा शरीर मिलेगा उसके कर्म पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते, विकर्मी, जो वेद उपनिषद पुराण ये सब कुछ नहीं मानते, तो वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। श्रीमद् भागवत 5.5.4 में कहा गया है, नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदिन्द्रियप्रीतया प्रिणोति न साधु मन्येयतात्मनोऽयम्
असन्नपि क्लेशदा आसदेहा। भौतिकतावादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कार्य करते हैं वास्तव में पागल हैं। श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुत्ता या सूअर जैसा जीवन जी रहे हैं वो, मनुष्य होने पाने के बावजूद भी, तो उनको भागवत कहती है ये लोग वास्तव में पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्हित कार्य कर रहे हैं, जो मना है शास्त्र में वो कार्य भी कर रहे हैं। भौतिकतावादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। हम सबको मालूम है कि हमारा जो शरीर है उसमें कितनी सारी बीमारियां लग जाती है, कई बार एक्सीडेंट होता है, हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, खरोंच भी लग गया, चाहे कुछ भी, ये भौतिक शरीर किसी ना किसी प्रकार से दुख देता रहता है। आत्मीय जन को खो देते हैं तो मन का दुख हो जाता है। जैसे कोई माता पिता है, रहते हैं, कई छोटे बच्चे हैं उनके बहुत प्रिय, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, उनका डेथ हो गया, तो कितना दुखमय है ये भौतिक जीवन। और इस जीवन में जो रहना चाहते हैं, जो भौतिक इच्छा के पीछे ही भागते रहना चाहते हैं, तो उनको भागवत कहते हैं वो लोग पागल होते हैं, वो लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो बुद्धिमान सिर्फ वही है जो भगवान की भक्ति को सीरियसली और सिंसियरली लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि आसानी से नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में ऐसे घूम घूम कर, ऐसे बड़ा सा कुआ है और एक छोटा सा डोर है मनुष्य योनि, और उस छोटे से डोर से हमें निकलना है बाहर, लेकिन हमने क्या क्या कुआ में ढूंढते रहे ये डोर 84 लाख योनियों में, और जब वो डोर आया छोटा सा जिससे हमें निकलना था बाहर इस भौतिक संसार से, आध्यात्मिक जगत जाना था, हमको खुजली हो गई। किस चीज़ की खुजली? इंद्रिय तृप्ति की। जो इंद्र तृप्ति ऑलरेडी हम कुत्ता बनके, बिल्ली बनके, खरगोश बनके, या चूहा बनके, या कॉकरोच बनके, या तरुतृण बनके, उसमें भी इंद्र तृप्ति है, उसमें भी हमने कर लिया, लेकिन फिर से मनुष्य तो उस फिर से इंद्र तृप्ति की खुजली हो गई, बस छूट गया हमारा वो चांस, फिर हम भटकेंगे 84 लाख योनियों में। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बुद्धिमान शास्त्र नहीं कहते। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तीन प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है, जो भौतिक अस्तित्व की भाग रूप है। क्या है तीन प्रकार का दुखमय अवस्था? आदि भौतिक क्लेश, जो दूसरे व्यक्ति या दूसरा जीव हमें कष्ट देते, कुत्ते ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, या दूसरा व्यक्ति ने कुछ हमारे अगेंस्ट कुछ पॉलिटिक्स रचा लिया, उससे हमें दुख हुआ, या कोई डांट दिया, मार दिया, पीट दिया, लाइक दैट, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा दिया गया दुख, आदि भौतिक दुख होता है, क्लेश इस भौतिक संसार में। दूसरा आदि देविक, देवताओं को भी क्रोध आता है जब देखते हैं कि मैक्सिमम लोग धर्म का आचरण नहीं कर रहे, ऐसा ही है अभी तो, इसलिए सुनामी आती है और भूकंप, बाढ़, कहीं पे सूखा है तो कहीं बाढ़ है, कहीं रेगिस्तान है, लाइक दैट, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब जो आता है देवताओं के द्वारा दिया गया जो क्लेश है, देवताएं करते हैं, तो इसको बोले आदि देवी क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे ही शरीर से बीमार हो गया शरीर, उससे आध्यात्मिक क्लेश होता है, मन दुखी हो गया, मन कुछ भी सोच रहा है, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या किसी को खो दिया तो उससे दुख हो रहा है कि उनका डेथ हो गया, लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है, या मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आध्यात्मिक क्लेश है। तो ये मन से और शरीर से उत्पन्न दुख है, ये तीनों क्लेश रहेगा ही इस भौतिक संसार में, तो हमें इन तीनों दुखमय अवस्था से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने तथा ये ना कहना प्रकार न क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल होते हैं, अतः वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं, रिस्क लेते हैं, मनुष्य योनि पाकर भी भक्ति ना करके वो रिस्क लेते हैं और निम्न योनियों में चले जाते हैं। तो भौतिकतावादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं, सुखी बनना चाहते हैं लेकिन सुखी तो नहीं हो सकते। शास्त्र में साफ साफ बताया गया है, जब तक हम शुद्ध भक्ति विकसित नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। आज हमें लग सकता है हम सुखी है, कल फिर दुखी हो जाएंगे। हम जो साल के एंड में न्यू ईयर आने पर हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर,
तो हम अगर ऐसे रेशियो निकालें तो पूरे न्यू ईयर में कितना खुश हुए कितना दुखी हुए। तो ज़्यादातर हमें बहुत सारा दुखजनक स्थिति हम देखेंगे। सुखी जो है ऐसा लगता है कि सुखी है, लेकिन वो सुख असली सुख नहीं है। जैसे आप मरुभूमि में जाएंगे, रेगिस्तान में, तो आपको दूर लगेगा पानी है, लेकिन वो असली पानी नहीं है। इस प्रकार से इस भौतिक जगत में असली सुख नहीं है। असली सुख सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्ति में है। तो इसलिए ये जो हम प्लानिंग बनाते हैं, ये सब कोई फायदा नहीं है। भौतिक प्लानिंग, आध्यात्मिक प्लानिंग बना सकते हैं कि मैं भगवान की कैसे सेवा करूं, कैसे अपने भक्ति को बढ़ाऊं, कैसे हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला जप करो, कैसे समय निकालो, कैसे भागवतम पढ़ो, भागवतम का श्रवण करो, भक्तों का संगति करो। ये प्लानिंग अच्छा है, कृष्ण कॉन्शियस प्लानिंग करना चाहिए। तो लेकिन जो लोग मूर्खतावश भौतिक चीजों में लगे हुए हैं, वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछे कि आपको क्या लगता है आप कितने साल जिएंगे, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं इतने साल में चला जाऊंगा। वो बोलेंगे 20-25 साल तो है कम से कम। एक 7 साल का व्यक्ति भी ऐसे सोचते हैं, उनके पास 20-25 साल है, लेकिन 20-25 साल में से एक एक साल कम होता जा रहा है। और इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में वो लगे रहते। कई लोग तो ऐसे होते हैं, इतना धन अर्जन कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको धन अर्जन करने का जैसे नशा हो गया है। खुद कुछ नहीं भोगेंगे, लेकिन अर्जन करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, करते रहेंगे। कोई भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए दान नहीं देंगे। तो उनको निपट भौतिकतावादी व्यक्ति कहा गया है। तो अंततो गत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। जो भी हम एकत्रित करते हैं, धन एकत्रित किया, जैसे कई सारी माताओं को सोने के प्रति बहुत आकर्षण है, या बहुत महंगा महंगा वस्त्र पहनने के लिए सोने सोना पहले के लोग पहनते थे, सोने का जड़ा हुआ वस्त्र या चांदी का पहनते थे। तो ये सब यही रह जाएगा। जिस दिन बॉडी से आत्मा निकल गई, धरा के धरा रह गया आपका सोना, आपका संपत्ति, आपका सुंदर वस्त्र, आपका नाम, यश और जो भी रिलेटिव्स, सब कुछ। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें आनंद हो और दूसरों को भी आनंद हो। और आनंद या असली सुख किसमें है? भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति। तो हमें शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करना है, दूसरों को भी उत्साहित करना है शुद्ध भक्ति के लिए। तो भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं सोचते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचते वो। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले होते हैं। काल सर्प आएंगे एक दिन और निगल जाएंगे। हम सोचेंगे भक्ति करेंगे करेंगे करेंगे, वो दिन नहीं आएगा फिर, क्योंकि अगर हम भौतिक इच्छाओं को त्यागते नहीं है। हर व्यक्ति जो है बाहर से गेहुआ वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। कोई गृहस्थ धर्म में है तो हो सकता है, कोई वानप्रस्थ में हो, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, भले ही वो किसी भी आश्रम में हो, मन से संन्यास लेना अत्यंत आवश्यक है। मन से आसक्तियों को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। भले ही वो गृहस्थ हो तो भी, भले ही वो ब्रह्मचारी हो तो भी, वानप्रस्थी हो तो भी, और सन्यासी हो तो है ही। तो मन से हमें संन्यास लेना चाहिए। वे ना केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर ये सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों, बड़ी बड़ी मोटर कारों, सम्मानीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। सब कुछ मृत्यु के साथ फिनिश, कोलैप्स हो गया। उनकी बड़ी बड़ी मकाने, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनको जो बड़ा पोजीशन मिला है, सब कुछ फिनिश। वे ये नहीं जानते कि अगले जन्म में पतित होंगे, उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव और पराजय स्वरूप होंगे। कई लोग बहुत करप्शन करते हैं, उनको पता नहीं है कि अगले जन्म हो सकता है उनको फुटपाथ में कटोरा लेके भीख मांगना पड़े। दे डोंट थिंक लाइक दैट। उनको ऐसे सोचना मुश्किल है, नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अगर दिव्य ज्ञान प्राप्त करे, शास्त्र का ज्ञान, जो आत्मा का विज्ञान है, जो किसी भी यूनिवर्सिटी और स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, भगवत गीता पढ़ाती है, श्री रूप गोस्वामी पढ़ा रहे हैं हमें श्री उपदेशामृत में, तो क्या होगा? फिर हम
क्या करेंगे, इस जीवन काल में ही समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देंगे, और जो नहीं त्यागते उसकी पराजय होती है, जो त्यागते हैं उसका जय होता है, क्योंकि वो अपने कर्मों को सुधार लेते हैं। यही श्रीमद् भागवत 5.5.5 का निर्णय है, पराभवस्तावत अबोध जातः। पराजय होगा ऐसे व्यक्ति का जो निपट भौतिकतावादी है, उनको लग रहा है जीवन में हमने बहुत अचीवमेंट कर लिया, लेकिन अंत में उनकी पराजय होगी, क्योंकि मृत्यु फाइनल एग्जाम है, और मृत्यु के समय अगर आपने श्री हरि का याद नहीं किया है तो फिर से इस भौतिक धरातल पर फंसते जाएंगे, ऐसे दल दल में कोई फंसता जा रहा है। अतः वह मनुष्य को आत्मा का विज्ञान, आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसलिए स्थापित किया ताकि आत्मा के विज्ञान लोगों तक पहुंचा सके। लोग आए सुबह, एवरीडे सुबह भागवतम क्लास है, एवरीडे इवनिंग को भगवत गीता क्लास है, पढ़ाते जाते हैं ताकि लोग समझे कि ये मनुष्य योनि अत्यंत प्रेशियस है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद बोलते भले ही कोई 2 साल भी जिए, भले वो लंबा ना जिए, फिर भी वो 2 साल भी अगर उन्होंने कृष्ण भक्ति किया तो उनका जीवन सफल हो गया। तो इसलिए जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता कि वो आत्मा है, जिससे वो समझ सकता है कि वो शरीर नहीं है, तो अज्ञान के स्तर पर ही रहता है। अर्थात अगर हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो हम अज्ञान के स्तर में ही है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपने इंद्रियों की तुष्टि मात्र में ही सारा समय गवाते रहते हैं, कोई एक ही व्यक्ति है जो ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो शरीर समझकर इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे रहते हैं, धन कमाने में, पोजीशन पाने में, यश कमाने में, या भौतिक कोई सक्सेस पाने के पीछे भक्ति करने का समय नहीं निकाल पाते हैं। उनमें से कोई एक व्यक्ति, ऐसा विरल व्यक्ति निकलते हैं जो ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है और जीवन के उच्चतर मूल्य को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति को ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होंगे। अगर हमारा कर्म मनुष्य जैसा होगा तो जैसे ही शरीर त्यागा, दूसरे मनुष्य माता के गर्भ में प्रवेश करेंगे। अगर कर्म कुत्ता जैसा होगा तो कुत्ता माता के गर्भ में, तो ऐसे बाध्य हो जाएंगे हम कर्मों के अनुसार। जैसा कि श्रीमद् भागवत में शरीर बंधह पद से संकेत दिया गया है, जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है, मीन्स कंपेल्ड। ऐसा नहीं, भगवान जब आए तो भगवान बाध्य नहीं थे, भगवान अपने इच्छा से अवतरण करते हैं। कौन माता होंगे, कौन पिता होंगे, कौन सी जगह में जाएंगे, या भक्त भी, भगवान के शुद्धतम भक्त भी, लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है दे विल बी कंपेल्ड अकॉर्डिंग टू कर्मचक्र। कर्मचक्र के अनुसार वो बाध्य होंगे किसी एक विशेष शरीर में जाने के लिए। वो ऐसे चूज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मुझे ऐसा मनुष्य में उत्कृष्ट इनके शरीर में, इनके माता के गर्भ में जाना है, नहीं, उसके अनुसार कर्म होना पड़ेगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम समय रहते शुद्ध भक्ति विकसित करें। शुद्ध भक्ति मतलब कृष्ण से कुछ नहीं मांगना, सिर्फ कृष्ण की सेवा मांगना है और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना है, प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करना है, कृष्ण के भक्तों की सेवा करना है, और निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली, और कृष्ण से अनकंडीशनल लव डेवलप करना है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति डेवलप करके हम संपूर्णतया सुखी हो सकते हैं और हमारा मन भी शांत हो सकता है। अन्यथा अगर भुक्ति कामी होंगे, मुक्ति कामी या सिद्धि कामी, वो हमेशा ही दुखी रहते हैं। इसलिए मन को ऐसे शिक्षित करना चाहिए ताकि हम शुद्ध भक्ति ही करें और शुद्ध भक्ति का ही प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।